मेरे ख्याल से इंडिया जीतेगा। इंडिया बड़ी साइड है, बड़ी साइड है। देखिए इंडिया की बैटिंग लाइनअप जो है वो बहुत लंबी और बहुत स्ट्रॉन्ग है। विराट कोहली, पुजारा और शुभमन गिल सेंचुरियों पे सेंचुरियां करेंगे, आप बेफिक्र हो जाओ। इंडिया बहुत तगड़ी टीम है, उनको जीतना चाहिए। विराट कोहली है वो बहुत तगड़ा बैट्समैन है, उसका मुकाबला नहीं है यहाँ पे। सारे तरफ को छक्के मारे उसने यार, इतनी अच्छी बॉलों पे छक्के मारे हैं ना उसने, जो मिडिल प्लेयर वो नहीं मार सकता वो छक्के। आपको पता है कि जो बड़ा मैच होता है ना, कोहली है बड़े मैच का प्लेयर, जो भी बड़ा में होता है उसने अपने आपको प्रूव करके दिखाया कि मैं बड़ा बैट्समैन हूँ। और ये बड़ी अच्छी बात कही है, क्या बात ये बात है। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच WTC फाइनल मैच खेला जाना है। दोस्तों सबकी नजर शुभमन गिल और विराट कोहली पे है, वो दोनों कल कैसे प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों भारत की टीम काफी शानदार है, इसीलिए कल आपको तगड़ी मैच देखने को मिलेंगे। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी विराट कोहली और शुभमन गिल को लेकर बहुत डरे हुए है। तो WTC फाइनल को लेकर पाकिस्तानी जनता ने चौंकाने वाली बात बताई है, इस बार भारत WTC फाइनल जरूर जीतेगा। दोस्तों WTC फाइनल के बारे में पाकिस्तानी जनता का राय क्या है, चलिए जानते हैं। मेरे ख्याल से इंडिया जीतेगा, इंडिया बड़ी साइड है, बड़ी साइड है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया अच्छी क्रिकेट भी खेल रहा है और कहीं ना कहीं इंग्लिश कंडीशन है, सूट भी करेंगे ऑस्ट्रेलिया को। जाहिर बात है कंडीशन सबके लिए सेम होती है, इंडिया भी मोस्टली बाहर ही खेलता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाहर काफी उसने मैचेस जो विन किए हैं और दूसरा इनकी टीम भी काफी स्ट्रांग है, ठीक है। टीम भी स्ट्रांग है, वजह क्या लग रही है आपको मेन की यार, इस वजह से जो इंडिया है कुछ पॉइंट आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया से भी। इंडिया इस वजह से है कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप जो है वो बहुत लंबी और बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। मसलन जैसे कि आप देखें विराट कोहली, ठीक है, फॉर्म में है, बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है। उसके बाद इनके बाद टेस्ट क्रिकेटर है, बाकी जो फ्लो पे जाता है विराट कोहली चलता है, कैसी क्या चीज है उसके अंदर कोहली के अंदर? मेंटली बहुत स्ट्रांग है, अच्छा मेंटली बहुत स्ट्रांग है, वो प्रेशर नहीं लेता, ठीक है। पकड़े हैं वो हर बड़े मैच में चलता है, कभी कभार उसकी किस्मत ना हो तो नहीं, वरना हर पाकिस्तान के बड़े मैच में वो चला है, उसने ही हरवाया वो पिछला रिसेंटली वर्ल्ड कप। हारिस रौफ को छक्के मारे उसने यार, इतनी अच्छी बॉलों पे छक्के मारे हैं ना उसने, जो नहीं यानी कि एक आम प्लेयर हो, मिडिल प्लेयर हो, वो नहीं मार सकता वो छक्के। जिस तरह की बॉल थी स्लो डिलीवरी पे, यहाँ पे बॉल हो और वो छक्का मार दे, विराट कोहली मार सकता है। वो कहते वो किसी ने कहा था कि कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो विराट कोहली जैसा छक्का मार सके, ऐसा ही भाई नहीं मार सकता कोई, बात तो सही है। लेकिन इंडिया उनको टफ टाइम देगा, इंडिया के सारे यंगस्टर है और सारे वो मतलब के अपने अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी गेम खेल। आपको पता है कि जो बड़ा मैच होता है ना, कोहली है बड़े मैच का प्लेयर, जो भी बड़ा में होता है उसने अपने आपको प्रूव करके दिखाया कि मैं बड़ा बैट्समैन हूँ। और उसने अपनी कंडीशन में, जैसे अब T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हुआ था, उसमें भी इम्पॉसिबल स्कोर था, सिर्फ 20 बॉलों पर 50 चाहिए था, विराट कोहली खड़ा होता उसने भाई अपने आपको प्रूव करके दिखाया। इसलिए विराट कोहली जो है ना कंसिस्टेंट है, हार्ड वर्किंग है और प्रूव करके दिखाता है कि भाई जान मैं नंबर वन क्यों हूं। अभी WTC फाइनल में आपको एक प्लेयर से विराट कोहली से उम्मीद है या ओलनी का? उनके बहुत से प्लेयर है, जैसे कि वो शुभमन गिल है वो भी अच्छी फॉर्म के अंदर है, विराट कोहली है, उसके बाद उनका पुजारा है, ये उसके बाद जो है जडेजा है, इतने ज़्यादा प्लेयर है जो अच्छा खेल रहे हैं और इंशाल्लाह वो करेंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो है फाइनल होने जा रहा है, टेस्ट का जो होता है, तो क्या लग रहा है कौन जीतेगा? इंडिया बहुत तगड़ी टीम है, उनको जीतना चाहिए। इंडिया, इंडिया पिछली बार ही हारा था, इस बार इंडिया जीत जाएगा। पहले तो आप बताओ, इधर शुरू करते हैं, इंडिया का कौन सा प्लेयर लग रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इंडिया की टीम स्ट्रांग है? जो विराट कोहली है वो बहुत तगड़ा बैट्समैन है, उसका मुकाबला नहीं है यहाँ पे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, मजा आया।